बांग्लादेश वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन छठा T20 मैच जो कि खेला जाएगा 5 अक्टूबर शाम 7:30 बजे शारजहां क्रिकेट स्टेडियम UAE में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेंगे वेन्यू रिकॉर्ड्स, कैसा रहेगा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और वीडियो के लास्ट में देखेंगे की प्लेयर जो इस वेन्यू पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो शारजहां क्रिकेट स्टेडियम की पिच देखेंगे तो बैटिंग फ्रेंडली, थोड़ी बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिच है, अदरवाइज फास्ट बॉलर थोड़ा सा देखेंगे तो डोमिनेट करके नजर आएंगे। बैटिंग कंडीशन की बात करें तो ओवरऑल ठीक पिच है और जो क्वालिटी बैट्समैन है वो इस वेन्यू पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। नई बॉल से आप देखेंगे तो स्विंग भी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी बाउंस भी देखने को मिलेगी, ड्राई और हार्ड सरफेस होगा तो जिसकी वजह से स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। वो टीमें टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करना प्रेफर करेंगी इस वेन्यू पे। बैटिंग फर्स्ट अगर अच्छा स्कोर कर देती है तो चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट देखा गया है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 12 मैचों में बैटिंग फर्स्ट 7 और बैटिंग सेकंड 5 मैच जीती है। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का देखेंगे तो 130 के आसपास दिखे है। हेड टू हेड में 3 मैचों में इंग्लैंड तीनों मैच जीती है, बांग्लादेश एक भी मैच नहीं जीती है। इसी वेन्यू पे खेले गए लास्ट 10 मैचों में देखेंगे तो 133 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 75 और स्पिनर्स को 58 विकेट मिले हैं। दोस्तों इसी वेन्यू पे खेले गए मैचेस के रिकॉर्ड देख सकते हैं। अभी वर्ल्ड कप में देखेंगे ICC वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन और श्रीलंकन वुमेन के बीच मैच था, जिसमें पाकिस्तान वुमेन 116 पे ऑल आउट हो गए और श्रीलंकन वुमेन 85 पे 9 विकेट थे और पाकिस्तान वुमेन 31 रन से मैच जीत गई। देखेंगे तो टोटल 19 विकेट गिरे हैं। दूसरा मैच बांग्लादेश वुमेन का 119 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर और स्कॉटलैंड की वुमेन 103 बनाई थी 7 विकेट के नुकसान पर। बांग्लादेश वुमेन 16 रन से मैच जीत गई थी, देखेंगे तो यहाँ पे भी 14 विकेट गिरे हैं। तो इस वेन्यू पे बहुत अच्छे खासे विकेट गिरते हैं, जिसमें से पेसर्स थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं इस वेन्यू पे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स मिलती रहे और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की तरफ। बांग्लादेश वुमेन की तरफ देखेंगे तो दिलारा अख्तर, मुर्शिदा खातून, शोबिना मोस्तरे, निगार सुल्ताना, रितु मोनी, शोरना अख्तर, रुबिया खान, नाहिदा अख्तर, फाहिमा खातून और जहानारा आलम और मारूफा अख्तर, ये रहनी चाहिए बांग्लादेश की तरफ से एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। इंग्लैंड की तरफ देखेंगे तो सोफिया डगरले और माया बाउचर में कोई एक परफॉर्म कर सकता है आज के मैच में। उसके बाद में डी वॉट और एन स्कीवर, एलिस कैस्पे, एमी जोन्स, हीथर नाइट, डी गिब्सन या फ्रेया कैंप में कोई एक परफॉर्म करेगा आज के मैच में। सी डीन और सोफिया स्केल्टन में की बात करते हैं तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं लॉरेन बेल और लिंसे स्मिथ या सारा ग्लेन में कोई एक परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं रिकॉर्ड्स की तरफ। बांग्लादेश की तरफ देखेंगे तो निगार सुल्ताना हेड टू हेड में एक मैच खेला, फ्लॉप रही। वेन्यू पे एक मैच 18 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस 18-32-62-0। बांग्लादेश की तरफ से देखें तो अगर एक इकलौती प्लेयर है जो काफी अच्छा परफॉर्म करती है एज अ बैट्समैन तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट पिक साबित हो जाएंगी। दिलारा अख्तर की बात करते हैं तो अब तक 22 मैचों में 326 रन बनाए हैं 15.5 के एवरेज से, रिसेंट परफॉर्मेंस 6-37-17। अभी तक इस वेन्यू पे परफॉर्म नहीं किया है, अगर टीम में जगह मिलती है तो जरूर परफॉर्मेंस देंगी। इंग्लैंड वुमेन की तरफ देखेंगे एमी जोन्स हेड टू हेड में एक मैच 28 रन बनाए हैं और 28 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 11-0-19। एमी जोन्स का बैटिंग ऑर्डर नीचे होने की वजह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है इनकी, लेकिन अगर शुरुआत के बैट्समैन आउट होते हैं तो क्वालिटी बैट्समैन है, कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और विकेट कीपर सेक्शन से भी आपको पॉइंट देखे जाएंगे। बस हीथ की बात करते हैं तो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, 1531-59 की है। इनका भी बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो नीचे होने की वजह से बैटिंग आने के चांसेस कम रहते हैं। हेड टू हेड वेन्यू पर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन स्टैट देखेंगे तो 50 मैचों में 18.5 के एवरेज से 758 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी करियर में दिया है। तो विकेट कीपर सेक्शन में निगार सुल्ताना एक सेफ पिक रहेंगे। एमी जो अगर बेस्ट सेहत को टीम प्रेफर करती है और इनका बैटिंग ऑर्डर एमी जोन्स के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली आप इनको पिक करिएगा, अदरवाइज एमी जोन्स से अच्छी खासी पिक साबित होंगी आज के मैच में। बांग्लादेश वुमेन के बैटिंग तरजीह की बात करते हैं तो मुर्शिदा खातून लास्ट मैच में 12-4-80-50 रन इनका रिसेंट परफॉर्मेंस रही है, इसी वेन्यू पे एक मैच 12 रन बनाए हैं। प्लेयर काफी अच्छी है, बैटिंग से कभी भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती है, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो जरूर प्रेफर करिएगा।
स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो वेन्यू पे एक मैच 29 रन, लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इनके बांग्लादेश के कंपेरिजन में स्कॉटलैंड की टीम काफी वीक थी, तो इसलिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस नजर आई। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो प्रिफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। शोभनम उस्त्री की बात करते हैं तो एक मैच खेला है 36 रन इस वेन्यू पे। इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ओवरऑल ठीक है, वुमेन T20 के हिसाब से 36-13, 15-19, और चाहे तो आप इनको पिक कर सकते हैं। वुमेन T20 में आपको एक चीज देखना है कि जो भी प्लेयर हमको 25+ पॉइंट प्रोवाइड कराता है उसको आप टीम में प्रिफर कर सकते हैं, और अच्छी खासी विनिंग हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो मुर्शिदा खातून मुझे एक सेफ पिक नजर आती है। इंग्लैंड वुमेन बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो डेनियल वॉट हेड टू हेड में एक मैच खेला है, रन नहीं बनाए, लेकिन स्टैट देखेंगे तो 162 मैचों में 28 के एवरेज से 4,482 रन है। रिजन परफॉर्मेंस 0/26, 0/76। अच्छा परफॉर्म करती हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहती, लेकिन जिस भी मैच में चलेंगी एक बड़ा नॉक खेल के देंगी। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है निडर होकर खेलेंगी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं, मस्ट पिक आएंगी। इधर नेट की बात करते हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनकी काफी अच्छी है, 46-14-15, और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, और अपनी बॉलिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। हेड टू हेड में एक मैच 11 रन है, स्टैट देखेंगे तो 30 के एवरेज से 3,911 रन बना चुकी हैं। माया भाउचर की बात करते हैं तो ओवरऑल अच्छी पिक रहेंगी, टीम में जगह मिलती है तो मस्ट पिक रहेंगी। 26-0-24 की परफॉर्मेंस रही है रिसेंट, स्टैट देखेंगे तो 30.5 के एवरेज से 1,528 रन बना चुकी हैं। खुफिया डंकरले की बात करते हैं तो 92 मैचों में 1,619 रन है, एवरेज उतना अच्छा नहीं है इनका। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 26, 35 और 16। खुफिया या माया बाउचर में जो भी ओपनिंग करने आएगा आप जरूर प्रेफर करिएगा। और डेनियल वॉट फर्स्ट डाउन आएंगी तो फर्स्ट डाउन के हिसाब से काफी अच्छी पिक रहेंगी, तो आई थिंक बैटिंग सेक्शन से दो प्लेयर आपके काफी अच्छे रहेंगे। अगर आप चाहें तो हेतर नाइट को भी अपनी टीम में प्रिफर कर सकते हैं, अगर ये बॉलिंग कराती हैं तो जाहिर सी बात है कि काफी अच्छी पिक रहेंगी, अदरवाइज एज अ बैट्समैन पिक करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बांग्लादेश ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे तो रितु मोनी एक मैच में 5 रन बनाए हैं, इसी वेन्यू पे 2 विकेट निकाले हैं। बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, लेकिन बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं एज अ स्पिनर। पूर्णा अख्तर की बात करते हैं तो स्टैट्स देखेंगे, 33 मैचों में 439 रन, 14 विकेट है। बैटिंग से फ्लॉप रही है, बॉलिंग से भी फ्लॉप रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। वेन्यू पर 5 ही रन का कंट्रीब्यूशन रहा है। फातिमा खातून की बात करते हैं तो 40 मैचों में 177 रन, 30 विकेट है, बहुत अच्छा स्टैट्स नहीं है इनका। हेड टू हेड में एक मैच 2 रन बनाए हैं, वेन्यू पे एक मैच 10 रन और 1 विकेट निकाला है। तो ओवरऑल इन दोनों में चाहे तो किसी एक को पिक कर सकते हैं, लेकिन रितु मोनी काफी बेटर पिक लग रही है रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो आप चाहें तो बांग्लादेश ऑलराउंडर सेक्शन से 2 प्लेयर पिक कर सकते हैं। इंग्लैंड ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं तो स्कीवर हेड टू हेड में एक मैच 23 रन 1 विकेट है, स्टैट देखेंगे तो 133 विकेट निकाल चुकी हैं और रन भी 4,004 बना चुकी हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगी, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे होने की वजह से हो सकता है उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन ना जाए, स्पिन खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगी तो एक मस्ट पिक रहेंगे। एनिस कैस्पे की बात करते हैं तो 91 मैचों में 39 विकेट है, बॉलिंग से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बैटिंग से अगर उनकी शुरुआत के बैट्समैन फ्लॉप होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है, तो ठीक ठाक पिक रहेंगी। फ्रिया कैम्प बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगी और अच्छा रिकॉर्ड है इनका, रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 2-16-26 ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, क्योंकि विकेट भी लिया है तो 2-1-1 तो पॉइंट्स में काफी ऊपर साबित हो सकती हैं, और वाइस कैप्टन के लिए या कैप्टन के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। स्टैट्स देखेंगे तो 45 मैचों में 25 विकेट और 526 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है करियर में। डी गिब्सन की बात करते हैं तो 47 मैचों में 36 विकेट है, 585 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। बैटिंग रेयरेस्ट केस में इनको मिलती है, लेकिन बॉलिंग जब भी मिलती है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ पे 3 प्लेयर हैं जिनमें से आप 2 को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, जिसमें से मैं स्कीवर, फ्रिया कैम्प या एलिस कैप्सी, इन 3 प्लेयरों में से आप किसी भी 2 प्लेयर को अपने टीम में प्रीफर कर सकते हैं। बांग्लादेश वुमेन की बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो नाहिदा अख्तर स्पिन बॉलिंग कराने आएंगी, इसी वेन्यू पे एक मैच 1 विकेट है, ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती हैं।
रबिया खान की बात करते हैं तो लेग ब्रेक है, 35 मैचों में 40 विकेट है, वेन्यू पे 1 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1-0, 1-4 ऑलमोस्ट देखेंगे तो हर मैच में कोई ना कोई विकेट जरूर निकाल के देती है, मस्ट पिक रहेंगे। ऋषभ विश्वास को लास्ट मैच में मौका नहीं मिला है, स्टैट देखेंगे तो 5 मैच में 7 विकेट है। एक दो बार इनको देखा गया है कि बंटर्स में विकेट निकालती नजर आई है, मीडियम फास्ट बॉलर है। अगर टीम में जगह मिलती है तो इन पर विचार किया जाएगा कि इनको पिक करना है कि नहीं। सुल्ताना खातून एज ए स्पिनर की बात हो रही है तो 16 मैचों में 13 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-1-0, ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती हैं, अभी तक इनको चांस नहीं मिला है। जहां नारा आलम अलमा की बात करते हैं तो हेड टू हेड में 1 मैच खेला है, रिसेंट परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, लेकिन मीडियम फास्ट बॉलर है। अगर शुरुआत में अगर इनको बॉलिंग मिलती है, पहली बार टीम में जगह मिलती है, फिर अगर पावर प्ले में बॉलिंग मिलती है तो जरूर पिक करिएगा। मीडियम फास्ट बॉलर को अच्छा सपोर्ट कर रही है। मारूफा अख्तर की बात करते हैं तो वेन्यू पे 1 मैच 1 विकेट है, स्टैट्स देखेंगे तो 34 मैच 31 विकेट है, ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती हैं, रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं आती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉलर हैं बांग्लादेश की तरफ से जिनको अपनी तरफ पिक कर सकते हैं। मैं नाहिदा अख्तर और राबिया खान को 2 मैच में जरूर अपनी टीम में रखने की कोशिश करूंगा। तो बाकी मारूफा अख्तर या जाना आलम में कोई अलमा में कोई एक आप देखेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इंग्लैंड वुमेन बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो सोफिया एक्लेस्टोन हेड टू हेड में 1 मैच 2 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 0-2-4, काफी अच्छी बॉलिंग कराती हैं और बंडल्स में विकेट मैक्सिमम बार लेते हुए नजर आई हैं। सारा ग्लेन मस्ट पिक रहेंगे, 99 मैचों में 128 विकेट है, काफी कम लोग इनको पिक करके चलेंगे, मीडियम फास्ट बॉलर हैं और बंडल्स में विकेट निकालती नजर आएंगी आपको। लॉरा बेल का भी सेम है, 38 मैचों में 46 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 3-0-1। सिंह डेन की बात करते हैं तो 45 मैचों में 68 विकेट है, मस्ट पिक रहेंगी, बहुत कम लोग इनको पिक करके चलेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2-0। तो लिंसी स्मिथ टीम में जगह मिलती है तो मस्ट पिक रहेंगी, 69 में देखेंगे तो 71 विकेट है और हेड टू हेड में 1 मैच 1 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-1-1। सोफिया स्केलटन काफी अच्छी पिक रहेंगी, सारा ग्लेन या लॉरा में किसी एक को आप पिक कर सकते हैं अपने टीम में, बाकी सी टेन को अपने टीम में जरूर प्रेफर करिएगा। बंडल्स में विकेट ले जाती हैं, बहुत कम लोग पिक करके चलेंगे इनको। फिर तो बात करते हैं बांग्लादेश वुमेन की तरफ से, वैसे तो जेलमा भी बात कर सक कंप्लीट ओवर करा सकती है अगर टीम में जगह मिलती है। नाहिदा अख्तर, फातिमा खातून, मारूफा अख्तर, रिमेनिंग ओवर में राबिया खान, रितु मोमिन, शोभना अख्तर, मारूफा अख्तर भी करा सकती हैं। डेथ ओवर में मारूफा अख्तर या जहानारा अख्तर भी करा सकती हैं। हो सकता है आज की टीम में इनको जगह ना मिले तो इनकी जगह पे रितु मोमिन हो सकता है बॉलिंग करती नजर आए। इंग्लैंड वुमेन में देखेंगे तो सोफिया स्केलटन, फ्रिया कैंप, लॉरा बेल और नेट स्कीपर बॉलिंग करते नजर आएंगी कंप्लीट ओवर। रिमेनिंग ओवर में सी डेन या एल स्मिथ बॉलिंग करती नजर आएंगी, डेथ ओवर में एस स्केलटन या फ्रिया कैम बॉलिंग करती नजर आएंगी। अगर चार्लोट डैन बॉलिंग करती हैं तो इनको अपनी टीम में जरूर प्रेफर करिएगा, अच्छे पिक साबित हो सकती हैं। अब की प्लेयर में बात करते हैं तो बांग्लादेश वुमेन में निगार सुल्ताना, मुर्शिदा खातून, रितु मोनी, शोभना अख्तर, फातिमा खातून और मारूफा अख्तर। सुल्ताना खातून या राबिया खान में कोई एक परफॉर्म करेगा। इंग्लैंड की तरफ देखेंगे तो एमी जोन्स या एलिस कैप्सी में मैंने किसी एक प्लेयर को पिक करना चाहूंगा और एन स्कीवर, फ्रिया कैम, डेनियल बॉट, सोफिया डेंकलेस और सोफिया एस्केल्टन, सारा ग्लेनियर, लॉरा बेल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे C10 का नाम लिखना भूल गया था, काफी अच्छी प्लेयर है, बहुत कम लोग पिक करके चलेंगे इनको। और जितनी भी आप टीमें बनाइएगा अगर इन्हीं 3 प्लेयरों को देख के टीमें बनाते हैं तो विनिंग चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। डेमो टीम आप देख सकते हैं, पहली टीम में मैंने एमी जॉन्स और एम सुल्ताना को, दूसरी टीम में मैंने एल सुल्ताना को जगह दी है। बैटिंग सेक्शन में थोड़ा सा चेंज किया है उस कंडीशन में कि अगर फर्स्ट इनिंग में बांग्लादेश की बैटिंग आती है और बहुत अच्छे जो ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उसमें आप बांग्लादेश के ओपनर को आप अपनी टीम से हटा सकते हैं, तो इसलिए मैंने डी बॉट को दिया है। यहाँ पे मैंने स्कीवर मोनी और अख्तर को दिया है, फ्रिया कैंप और एफ खातून को भी दिया है, मैंने 5 ऑलराउंडर लिए हैं। बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो मैंने सोफिया, रबिया खान और एस ग्लेन को दिया है। दूसरी टीम में बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की तो मैंने यहाँ पे इंग्लैंड के सेम रखे हैं। यहाँ पे अगर लॉरा बेल को अगर टीम में जगह मिलती है तो आप उनको जरूर देखिएगा और सी डेनियल, इन दो प्लेयरों को जरूर नजर बनाए रखिएगा। उसके बाद एन अख्तर और रबिया खान को दिया है
ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रखी हैं, बस मैंने यहाँ पे आर मोनी को ड्रॉ किया है। और बैटिंग सेक्शन में देखेंगे तो डी वॉट और मैंने डंकरले को लिया है। ये उस कंडीशन में है कि अगर इंग्लैंड की टीम की फर्स्ट तो बैटिंग आती है तो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो यहाँ पे अब तक जितने मैच हुए हैं उसमें देखा गया है कि मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग सेक्शन से काफी विकेट निकल रहे हैं, काफी पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो आपको भी अपनी टीम में उसी तरीके से टीम चुननी है, तो जिसमें से स्पीवर, स्कल्टन, एस ग्लेन, एफ विन, ये चार पिक काफी अच्छी रहेंगी, चाहे फर्स्ट बैटिंग है चाहे सेकंड बैटिंग है। दूसरी मैं बात करता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो उसमें मुझे लगता है कि राबिया खान एक या दो विकेट निकाल के अपने टीम को दे सकती हैं। बाकी बहुत ज्यादा किसी बांग्लादेश की वोमेन से उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और फर्स्ट इनिंग में अगर इंग्लैंड की टीम की बैटिंग आती है तो आप वॉट और डंकरले में किसी को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म करके दे सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच पर।